वाह वाह क्या बात है। अभी भी पास हो गई जोड़ने की।
याद हो रही है? अभी हम समझा रहे हैं, मिथ्या दृष्टि ये मानता है कि जीवों के अनुसार ज्ञान है। सरल भाषा में कहीं तो अपने ऊपर परिस्थिति का असर पड़ता है, अपने ऊपर हालातों का असर पड़ता है, अपने ऊपर कर्म के होने का असर पड़ता है। लगता है नहीं लगता है? लगता है दृष्टान नहीं करें क्या होता है? पंडित जी में इतना शांत रहता हूँ, इसकी शकल देख के गुस्सा आ जाती है। तो गुस्सा कहाँ से आ गया आपको? शकल में से गुस्सा कहाँ से आ गया? पंडित जी ये बालक इतना प्यारा है, एकदम प्यारा इसमें से रहा जाता है, इसमें से एक लड़का लड़की
गैलरी में बड़ा प्लान चलता रहा हूँ, बिल्कुल जे गैलरी मम्मी पापा से ना कई सारी गैलरी में तो मैं मर जाऊंगा, मैंने मरने की दम तक शादी करना चाहता है। और मैं शादी होगी चल, अब शादी होने के बाद एक बार खटपट हो गई, भयंकर अच्छी खटपट हो गई, तो अब दोनों में ऐसी हो गई बोल चाल बंद, डाइवोर्स की बात चलने लगी। अभी ध्यान से सुनना बता, अब इसको पहले ऐसे लगता था इससे शादी नहीं होगी तो मरने तैयार है, अब बोल रहा है कि संग रहेगी तो मर जाऊंगा। पॉइंट में है बस, आप बता सकते हो शादी किस कारण से हुई थी? लड़की के कारण। किसके कारण हुई थी शादी? सुना तेरी लड़की की सुंदरता के कारण शादी हुई थी, उसकी क्वालिटी, डिग्री, उसका भोजन बनाना, मुस्कुराना, जो जो तुम्हें स्वर दिखाई देता ना, यदि उसकी वजह से सगाई शादी हुई थी तो वो तो अभी मौजूद है ना। अब बोलो लड़की के कारण प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ, लड़की के कारण सगाई नहीं हुई, लड़की के कारण शादी नहीं हुई, उसकी जितनी क्वालिटी तुम गिना रहे ना, सुंदरता और पढ़ाई लिखाई डिग्री सब, उसकी वजह से सगाई शादी नहीं हुई। पहले तुम अपने ही राज से राजी हुए थे, अब तुम्हारे द्वेष से तुम द्वेषी हो, उसमें पत्नी का कोई रोल नहीं है, तुम्हारे राग उत्पन्न होने में, तुम्हारे द्वेष उत्पन्न होने में उस कन्या का, लड़की का उसका कोई रोल नहीं। मैं कोई क्यों समझा रहा हूं कि तुम राग के नाम पर भी बंधन को प्राप्त होते हो और द्वेष के नाम पर भी बंधन को प्राप्त होते हो, क्या होता है पंडित जी सकल व्यक्ति से गुस्सा चल रहा है, तो द्वेष के नाम पर भी तुम बंधन को प्राप्त होते हो, तो हम क्या करें अनंतानुबंधी मिटाने के लिए? इसे ना हो पत्नी का कोई रोल नहीं है, तुम अपने राग से भी रागी थे और अपने गीत राग से भी गीत रागी हो जाओगे। थोड़ा खुलासा कर देते हैं, मैंने ना भगवान से दीक्षा लेके जाने दृष्टा थे मेरी तरफ से, जिनवाने मीठा पढ़ा नहीं है नहीं, मुझे समझाना इसलिए पढ़ा रहा कि मेरी ना लोग दीक्षा लेने की तैयार हुई, तो वहाँ समाज के जो मुखिया होते हैं बुजुर्ग आगे सामने, यदि आपको शादी नहीं करनी थी दीक्षा लेनी थी तो आपने हाँ क्यों करी, आपने सगाई क्यों करी, हमारी लड़की जिंदगी खराब कर दिया और आप शादी करो, तो नहीं ना बोले हमने हाँ कब करी, राग ने हाँ की थी जिस राग ने हाँ की थी उस राग का फेर हो गया। आप अब किसका, आप आत्मा की वजह थोड़ी कुछ करते हो, तात्कालिक राग होता है किरे होता है, कभी कभी घरों में एक बात की लड़ाई होती है, मैं अंदाज से कह रहा हूँ लेकिन सही होगी लगभग बात, कई बार घर में इस बात की लड़ाई होती है कि सुबह पतिदेव को राग और था तो मन कहती है ऐसे बता देते, और जब भोजन करने आए तब तक राग बता लगे होने का, मुझे नहीं बना सकती जैसे तुम्हें तो कह रहे थे भिंडी की सब्जी बना लिया, मैं बना तो नहीं बस बात पकड़ लेते हैं, फिर बाकी से खटा नहीं चाहिए, खटा नहीं चाहिए एक ऐसा चीज और नहीं बन सकती, लेकिन तुमने तो कहेंगे तुम्हारी फेवरेट है, बस बात पकड़ लेते गजे हो गए, सुबह तुम्हारा राग कुछ और था और दोपहर तक आते आते राग कुछ और हो गया, आप समझ गए तुम राग देश के करता मन बाहर की करता नहीं हो, और दस सुबह का राग पैदा होता है वो करता होता है, मेरे साथ करें हम वो जिस राग में हाँ की और राग ही नहीं बचा हम क्या करें, हाँ ठीक चलेगी चलेगी काफी कर लेने प्रैक्टिकली। अब वो तलाक हो गया तो कानून के अनुसार तलाक होने के बाद भी छह महीना संगसंग रहो, लास्ट चांस संगसंग रहो, अब कल्पना कर सकते हो पहले वो मुस्कुराती थी तो कितना अच्छा लगता था, अब वो मुस्कुराती तो आग लगती है, अब क्यों छह महीने मजबूरी रहने ना, तो वो मुस्कुराती है खा पी करके बड़ी आराम से, तो इसको ऐसे आम लगती है आराम का खा रही देखो कैसे आशा से खा रही जिसका बाप बन गए हो, अब उसको क्या इतना अच्छा लगता था, अभी बात क्या हो गई, अब ये कहीं कहीं काउंट हो रहा है, सुनो इसका मतलब तीन लोग में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो तुम्हें मोर उपचार को उपचार सकते, तीन लोक के रंग भोग भी मोह नहीं उपजा सकते,
पर नहीं कर सकता। तो इसका मतलब बहुत सरल हो गया मोक्ष मार्ग। अब सुनो, तुम अपने राग को जीतो, मोक्ष मार्ग में चले जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। एक पॉइंट में आ रही थी, ध्येय के अनुसार ज्ञान, क्या बोला, ध्येय के अनुसार ज्ञान नहीं होता। तो सब जगह लगा ली ना, उनके अनुसार क्रोध नहीं आता, उनके अनुसार मान नहीं आता। क्यों? 1 करोड़ रुपया हुआ अपने पास, मान नहीं आएगा क्यों? तुम आइए बन जाओ कलेक्टर हो जाओ, मान नहीं होगा। मैं चौड़ा हुआ गली सैलरी नहीं आएगा, ज्ञान नहीं आएगा। क्यों? ध्येय के अनुसार ज्ञान नहीं होगा, नहीं आएगा। श्याम देकर वाली रानी होंगी, प्रेम नहीं आएगा, नहीं 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 आएगा। क्यों? ये के अनुसार ज्ञान नहीं होता ही नहीं है। बहुत दृष्टान दे सकते, 1 करोड़ का समय है, 1 करोड़ बोलो मान नहीं आएगा। मैं करोड़पति दृष्टान दी थी, वैसे दृष्टान ना हमारी बात समझ में नहीं आ रही। ये सब प्रैक्टिकल है, आपको प्रैक्टिकल करना, ये कह रहा हूं। मैं तो आपको 50 एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप हजारों लाखों बनाना इसके लिए। क्यों? आपको अनंतानुबंधी का साथ जीतना हो, आत्मा का अनुभव करना हो, और शांति से विचार करना। पॉइंट पूरा करें, ये के अनुसार ज्ञान नहीं होता। दृष्टान देता, आपके लड़के की शादी है, हर लड़के की पिताजी अनुमान लगा लेते हैं कम से इतना कम मिलना चाहिए। मेरा लड़का इतना पढ़ा लिखा हो गया है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो इतना तो मिलना चाहिए। अब इतने दिन लगा लो, कितना आप अनुमान लगा लो, लगा लो कितना लगा लो, 25 लाख मिलना चाहिए। सोचते मैक्सिमम सोचते ना, आदमी तो मैक्सिमम ही सोचता है, मैक्सिमम इसलिए सोचता है कि फिर जरूरत पड़ेगी तो बार्गेनिंग करके नहीं चाहिए। सोचता तो है ना, और तो 25 लाख की सोच। तो एक लड़की वाले आए, वो बहुत अच्छा रिश्ता था, जो बात तुम चाहती थी सब उसमें थी। और पहले बात ये थी, उन्होंने 25 लाख की बजाय 50 लाख का प्रस्ताव रखा। बोलो खुश हो गई तो क्यों हो गई है? पक्का 25 लाख की 50 लाख मिले, खुश हो गई तो क्यों हो गई है? चलो सॉरी, अभी आपने बड़े इतने खुश बहुत जम के खुश हो, आपको बहुत प्रसन्न नहीं था। इतने में एक व्यक्ति आया, लाला खरागर, क्यों क्या हो गया? अरे हमसे उन्होंने कहा था, उनकी एक ही लड़की है, अरबपति पार्टी है, हमसे तो ये कहा था 1 करोड़ तक का कोई अच्छा लड़का मिल जाए तब हम 1 करोड़ की शादी करें। अब हम 25 की जगह 50 मिल रहे हैं, अभी खुश हो रहे हैं। आप क्या हो गए? बोलो क्या हमको 50 लाख की खुशी की? एक सेंटेंस है, अब उसके चेहरे पे 12 बजा, हाथ की बर्फी हाथ में रह गई, मुंह की बर्फी मुंह में रह गई, टेस्ट खत्म हो गया, खाने वाने सब मजे खत्म हो गया, बहुत बड़ी जीती हो गई मेरे साथ। देख खुद 25 से ज्यादा नहीं सोच पा रहे थे, बाहर गया नहीं, 50 में भी अब खुश नहीं है। जितने सवाल नहीं कि एक ही लड़की ने चलो आज नहीं कल दे दे, क्या जाता है, लड़की बढ़िया हो जाने तो नहीं। अब धीरे से मोबाइल उठाया, कोई लड़का राजी नहीं, वो कहता नहीं 2 साल नहीं करना चाहिए। लड़की वाले सब समझते क्या बात है, बात तो खोल के बोलो बात। आधा घंटे बाद घुमा फिराने का आपने उनको चीख किया, हमने सुना आप 1 करोड़ देने वाली हैं। अरे तो आप पहले बोलते इतना घुमाने की क्या जरूरत है, हमने भी ये सोचा तुम बार्गेनिंग करोगे नहीं, तुम 25 से 12 लाख पे आ सकते हो, मैं 50 लाख से 1 करोड़ में जा सकता था। जब आपने कुछ बार्गेनिंग नहीं की तो मुझे भी कोई जरूरत नहीं पड़ी 1 करोड़। अब तो बोल रहे नहीं बोलते, अब तो बोले 1 करोड़ खुश हो गए ना, 25 लाख से 1 करोड़ का अगली गाड़ी मैक्सिमम खुश हो गए ना, अब तो दुखी नहीं होगा, अब तो नहीं होगा। मैंने पहले ही कहा कि ये के अनुसार अब उसे एकदम धक्का लगा, फिर धक्का लगा,
धक्का लगा ये तोड़ दी सुनकर भी, यार ये आदमी है कि ये कौन ये फिगर यहां कर दी, इसका मतलब मोटी मुर्गी थी। अमन सस्ते में ठगा गए, अपने को सवा कहना चाहिए था, अमन सवा कह रहे तो फिर देखते हैं, सवा तो कहते कम से कम। आपको पता है मार्केट में कई बार दुकानदारों को या ग्राहक को तब तक मजा नहीं आता जब तक बाहर नहीं मिलती। आप ग्राहक को 400 रुपए का माल 500 बता के 450 में दो, ग्राहक ऐसे मुझे बताओ देता है तो हमारे परिचित थे सेठ जी, हमने सस्ता दिलवा दिया था। आप 200 का माल 500 कहेंगे 400 में दे दो, 300 में दे दो, तो ओ हो धन्य मिल गया। परेशान कैसे, अपनी अपनी योग्यता से अपने परिणामों से, पर के कारण परेशान नहीं। तो उसने क्या कर, 1 करोड़ को एकदम हाँ हुई, उम्मीद नहीं थी 85 करोड़ को इतना जंप मारे गए, मारेंगे अब क्या करेगा। अब फिर परेशान परेशान रात भर नहीं आ रही, उधर उधर फिर दूसरे फोन घुमाया, हम सब तो तैयार लेकिन लड़का भी भूखा जी पैसा। मैंने क्या बात किया है आपकी, और बात क्या है, लड़का के भूपा जी उसे 1.25 लाख का रिश्ता बता रहे थे। हाँ 1.25 करोड़। अच्छा गंदी बात, ओके अब सही बताना, खुश होगा 1.25 करोड़ में ही होती है। आपको समझ में आ रहा कुछ, अरे इसके सुख दुख का आधार पैसा है ही नहीं, ठीक है, इसके सुख दुख का आधार कृष्ण का अभाव है और दुख का आधार कृष्ण है, ये पैसे में से नहीं आ रही कृष्ण, ये बाहर के रिश्तों में से नहीं आ रही कृष्ण, बस आप समझ जाओ तो जिंदगी में मजा करोगे। आप अपनी कृष्णा से दुखी हो और तुम आरोप लगाते इनसे परेशान इनसे परेशान इनसे परेशान, इनसे किसी से परेशान नहीं, किसी से नौ खाए तेरा की भूख, ये तो कहावत नहीं होगी, नौ खाए तेरा की कृष्ण नारायण जो जो डंगे। मैंने देखा भैया नौकरी की ना कॉलेज तो एक भी आदमी को सुखी नहीं दे रहा है, तुम 1 करोड़ की भी नौकरी दे दो ना, 1 करोड़ की तो भी 2 महीने बाद सब सड़क सके ऐसी करके तो क्या चाह रहे, प्रमोशन बोनस इंक्रीमेंट स्ट्राइक, चल अब तो ठीक है। कर्मचारी उसे कहते हैं जो बेचारा कभी प्रसन्न ना हो, जो ब्रह्मचारी नहीं ना वो कर्मचारी हो। ब्रह्मचारी का लक्षण है सदा प्रसन्न और कर्मचारी का लक्षण है काम पूर्ण होता रहता है। मैं तो इसी समझा रहा हूं आपको, प्रैक्टिकल सुखी होना हो ये वेद विज्ञान करो, ये तत्व निर्णय करो, क्या वेदों के अनुसार ज्ञान नहीं, वेदों के अनुसार जब ज्ञान ही नहीं होता तो फिर वेदों के अनुसार सुख भी नहीं होता, जब ज्ञान नहीं होता तो कुछ नहीं होता, जब वेदों के अनुसार ज्ञान नहीं होता माने पर अनंत गुणात्मक कुछ नहीं होता, सुख भी नहीं होता, दुख भी नहीं होता, चारित्र भी नहीं होता, वीर्य भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट है, ऐसे है मोटो प्रूफ। अब सोचो हमें 1050 निकल आए पॉइंट, कितना मजा आता हुआ ज्ञान स्वभाव। आई भाई बात समझ में आ रही, दुखी होने के लिए सुखी होने के लिए दूसरों पर आरोप मत डालो, केवल आप इतना जानो कि देव से ज्ञान हो सकता। मैं तो चैलेंज करता हूं आप सबको, आप सबको कर रहा हूं आप सबको, मतलब ये रिकॉर्डिंग जो कोई सुने उस सबको पूरे वर्ल्ड को मुझे दुखी करके होता है, तुम कर सकते हो दुखी कर, मैं अंगूठे चढ़ा झट कहूंगा आप बेस्ट ऑफ लक कह रहे हैं, क्यों कैसे चिढ़ाते हैं इसको, कैसे चिढ़ाते नहीं चिढ़ाते हैं, कोई नहीं चिढ़ाते तुम्हें, अरे भाई भाई चौथी काल का इसमें तुम चिढ़ाते नहीं सकते, नहीं तो कैसे चिढ़ाते जीत दिखाते होंगे, जीत दिखाते तुम लोग, नहीं दिखाते ऐसे दिखाते ना, एक तो दिखाते तुम नहीं, तुम्हें दिखाता कोई जीत नहीं, इधर तक चौथी काल की। अच्छा जी अभी से सीख गए पंडित श्याम के सामने झूठ बोल रहे, क्यों कोई तुम्हें जी जोड़ा ना नीचे आया, तुम्हें नीचे आया हम ही चला दे सर।
अरे एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को जीत लिया है, अब उसे दुखी नहीं होना है ना। देखो पॉइंट एक, उसे दुखी नहीं होना है। वो फौरन हंसने लगा, के तेरी जीत कितनी गुलाबी है। अब उसने पूरी जीत निकाल के दिखाई, और ये तू दुर्गा जैसी लग रही है। अरे हमें तो खुश रहना सीधी बात, हमें दुखी होना ही नहीं। किसी लड़के ने लंबी लंबी जीत निकाल के दिखाई और ये बिल्ला की जीत जैसी लग रही। अब हमें दुखी नहीं कर सकते, ये कहना है। एक बच्चों में ऐसे चला दिए नहीं करते, करते भी करते हैं आजकल नहीं करते। चलो पुराना हो गया, कोई बात यदि कोई करे तो भी मजे की बात है। अच्छा तुमको गाय बन बनाने के, अपन क्यों परेशान हो, अपने को आनंद करना है और जैसे करे हो। और नहीं तो करे तो बहुत अच्छा स्टाइल है, अंग्रेजी स्टाइल में सेम टू यू। आपको पता मैंने जिंदगी में कितनी प्रतिज्ञाएं की, मैंने जिंदगी में मैंने यही प्रतिज्ञा की प्रसन्न कर दी। बहुत साल पहले की बात है, 30 साल पहली बार सुना रहा हूँ। जब मैं पहली बार प्रोफेशन साल गया था, दूसरा प्रोफेशन था ना पहला साल बासिन गया था, दूसरी साल में खतौली गया था। तो वहां से ऐसी बातचीत चली तो बोले पंडित जी आप शादी कर लो, आओ बस आपको गारंटी लो प्रसन्नता रहनी चाहिए। यदि उसमें आनंद है तो मैं शादी कर लूंगा, मुझे कोई ब्रह्मचर्य का शौक नहीं है, आनंद रहना चाहिए। पहले प्रूफ करा, बेवकूफी का धंधा नहीं है, पहले प्रूफ पड़े फिर आप हर फिसल गए तो हर रह गए। जी काम नहीं फिसल गए तो हमें आनंद की प्रतिज्ञा है, यदि तुम प्रूफ करो मैं शादी में आनंद ना हो शादी करे, हमें क्या दिक्कत है, हमें तो आनंद करना है। आप कोई दुखी नहीं कर सकता अपने, आप बोलो कैसे दुखी करो, आप बोले एक काले कलू थे तो कोई पैकिंग है, काली पैकिंग हो सकती, कोई भी करते ही पैकिंग को काला कह रहे हो, कैसे काला उसमें क्या दाना। अब बोलो और क्या बोलो, अब जो बोलोगे मेरे पास अकाउंट है, मैं उसे उदय के खाते में डाल दूंगा, मोदी भाव के खाते में डाल दूंगा, शिव गुरु के खाते में डाल दूंगा। लेकिन एक चीज ऐसी है जो अनचेंजेबल है, वो है पाइनामिक भाव, ध्रुव भाव, व्याय भाव, परमात्मा भाव। तुम्हें जो कहना है कहो, माँ क्या बोलोगे, एक काम करो कोई बोल के होता ना, जरा पाइनामिक भाव की निंदा, ध्रुव स्वभाव की निंदा करके बोलो जाए। ये भैया सुनो, तुम भी नहीं सुन रहे हो, सही भी सुन रहे तेरे को वॉलेंटियरिंग बच्ची छोटी थी, सबसे छोटी बच्ची है लेकिन अच्छे सुन रहे, सब अच्छे से ना। एक पॉइंट पूरा हो गया है ना, अब घड़ी में टाइम पूरा हो असर लगा पर बात पूरी करें। एक पॉइंट कौन से चल गए, नियम के अनुसार ग्रहण, अब इधर से ज्ञान के अनुसार गेम नहीं पढ़ना, कौन बोलेगा। हाँ ज्ञान के अनुसार ये नहीं पढ़ना मुझे, इसको याद हुआ, कौन को याद हुआ। हाँ ज्ञान के अनुसार देव नहीं पढ़ते, वाह ज्ञान के अनुसार देव नहीं पढ़ना, बोलो बोलो बेटा बोलो, ज्ञान के अनुसार देव नहीं पढ़ना दे, हाँ बोलो कौन बोलेगा, बोलो 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 बोलो, जब मेरी समाधि होती है सुनाना तुम्हें। अरे तुम्हें भी मजा आता है, अमृत भरा है, अमृत इन दो बोलों में अमृत भरा है। आप मेरे सामने आए, पंडित ने समझा समझा के हार के पति समझ ही नहीं रही मेरे, मैं इतना इंटेलिजेंट हूं, सारी दुनिया का प्रयोग पास करता हूं, सब लोग मेरा क्या मान लोहा मानते ही हैं, सब लोग कहते हैं मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैं सबको समझा सकता हूं, मेरी बीवी को नहीं समझा सकता। तेरे ज्ञान के अनुसार जिंदगी नहीं पढ़ना, और जो समझने का तेरे ना जो समझ गए वे भी तेरे ज्ञान के अनुसार नहीं पढ़ना थे।
क्या बताऊं, इस दुनिया में मेरी कोई मानता नहीं, मैं करोड़ों कमा कमा के मरा जा रहा हूं, मेरी कहानी कोई मानता नहीं। अरे मानता नहीं, फिर से बोला ज्ञान के अनुसार ये नहीं परिणमते। अब मैं और अच्छी भाषा में कहता हूं, सुनो, क्यों तुम सर्वज्ञ भगवान के अनुसार परिणमते हो? तुम अरत भगवान के अनुसार परिणमते हो? शास्त्र के अनुसार परिणमते हो? जब तुम शास्त्र के अनुसार नहीं परिणमते तो तुम्हारे अनुसार जी क्यों परिणमे? नहीं समझ में आया? मैं बोल तो रहा हूं, अब सुनना ध्यान से, डायलॉग थोड़ा लंबा है, सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। एक आदमी की शिकायत करता है, मेरे पिता बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन मैं नहीं मानता, लेकिन मेरे बच्चे को तो मेरी मानना चाहिए ना। कोई पकड़ना है क्या? क्या मेरे पापा बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन मैं उनकी नहीं मानता, लेकिन मेरे बच्चे को तो मानना चाहिए। ऐसी गजब बात हो गई। अरे जब केवल ज्ञान के अनुसार तुम नहीं पढ़ सकते तो तुम्हारे ज्ञान के अनुसार कोई क्यों पढ़ना चाहिए? इससे क्या फायदा हो गया? इससे जो स्वतंत्रता हुई कि तुम्हारे ज्ञान के अनुसार कोई नहीं पढ़ सकता तो तुम ताली में बजा के हंसा करो, हमें तो पहले ही मालूम थी कोई कोई हमारे ज्ञान के अनुसार कोई नहीं पढ़ सकता। खुश हो गए बोलो। कभी पति पत्नी झगड़ा हुआ ना, आपको समझाने का राग है तो आप बड़े प्यार से उसके पास जाओ, देखो मैं जानता हूं मेरे ज्ञान के अनुसार तुम नहीं पढ़ लेकिन मुझे राग भी है, मुझे निकल पा रहा है, इसलिए मैं तुम्हें समझाता हूं। ये भाव से इट इज नॉट गुड फॉर यू, मानो तो ठीक, नहीं मानो तो ओए ओए। मेरी स्टाइल यही है, मेरी स्टाइल यही मतलब मेरी कर्मचारी भाई बहन सब कोई, अब कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। तो मैं राग उद्देश्य कहता हूं, मैं मेरी बात कहता हूं, देखो तुम इसको फॉलोअप नहीं कर पा रहे हो, फॉलोअप करने के लिए तो कसाई बिठानी पड़ेगी। मैं तो भले अपने ज्ञान से कह दूंगा लेकिन आपको कसाई मिटेगी ना थोड़ी समझ में आएगी वो, और ना पढ़ना ना होगा तो दुखी मत होना। इस भाव में नहीं, अगले भाव में भी तुम पढ़ने में रुक जाओ तो मोक्ष चले जाओगे। लेकिन बात तो यही है, बात यही है। हाँ दो पॉइंट बोले, कौन कौन से बोले? ज्ञान के अनुसार बोल, क्या ज्ञान के अनुसार ये नहीं पढ़ना थे बोल, ज्ञान के अनुसार कौन? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे ज्ञान के अनुसार ये नहीं पढ़ना थे। अब बता मुझे तो डर लग रहा था, इतने छोटे छोटे बच्चे कैसे प्रोजेक्ट करूंगे, अब ऐसा लग रहा है कि इतने बच्चे की समझ जाएगी, समझ में आ रही बात? ज्ञान के अनुसार नहीं पढ़ते। अब देखो कई लोग मुझसे कहते पंडित जी आप हमारे भोजन करने आए हैं, हमारे बच्चों को समझा रहे हैं, तो मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि मुझे क्या पता है कि मेरे ज्ञान के अनुसार ये पढ़ने में कोई जरूरी नहीं है। नहीं तो कल तुम इंसाइड करते फिरोगे, पंडित जी का प्रभाव खत्म हो गया, पंडित जी का प्रभाव खत्म हो गया, पंडित जी का पुण्य खत्म हो गया, और पंडित जी की जो पहले बहुत प्रसिद्धि थी वो सब खत्म हो गई। मैं पहले पंडित जी समझाते थे तो हमारे बच्चे मान जाते थे, आज कल बच्चे नहीं मानते। सुना मेरा जो मान है ना, मान किसी के समझने से नहीं, जो घट जाए। तीन लोग मेरी ना माने तो भी मेरे मोक्ष जाने से नहीं रोक सकता। मन माना बहुत अच्छी भाषा बोलूं आपको, योग सारे की भाषा में, योग सारे तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारा गुरु है। क्या क्या बोला? क्या बोला? तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारा गुरु है। इतनी कमियां बचीजा होगा तेरे भी, लेकिन तीन बार पकड़ लिया है बहुत बढ़िया। तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारा गुरु है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पकड़ने बच्चे तो क्या मतलब निकला? तुम्हारा गुरु मैं नहीं हूं, तुम्हारा आत्मा। हाँ तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारा गुरु, क्या मतलब इसका मतलब समझ तुम्हारे गुरु। देखो तीर्थंकर, आप तीर्थंकर के समोसन में गए हुए भी कभी कर ली, वो समय की तुम्हारे गुरु ने हानि करी नहीं, इसीलिए तुम वापस चले गए।
तुम्हारे ज्ञान ही नकार दिया नहीं, नहीं अभी तुम्हें शादी करना है, अभी तो व्यापार धंधा करना, अभी तो मजे लेना, ये पांच मिनट की विश्व आपके ज्ञान ने इनकार कर दिया। जब आपके ज्ञान ने इनकार कर दिया तो शिव शंकर भी कुछ नहीं कर पाए। और सुना आज तुम्हारा ज्ञान स्वीकार कर रहा है, मैं अभी कुछ नहीं कर पाया, लेकिन लोग व्यवहार में तुम ये कहोगे पंडित जी आपकी वाणी का बड़ा प्रचार है। मैं कह रहा हूं मेरी वाणी ही नहीं, जल्दी बोल गए कुछ क्या कह रहे हैं, कुछ क्या कह रहे हैं थोड़ा सा। आप कह रहे हैं पंडित जी आपकी वाणी का प्रताप है, मैं कह रहा हूं मेरी वाणी नहीं है। क्या क्यों द्रोण के में परेशानी नहीं, सोना के में परेशानी दृष्टा नहीं, सुनने जैसा दृष्टा सुनना है, सोना के में परेशानी दृष्टा नहीं है। एक आदमी की घर पंडित साहब भोजन करने गए, वापस आ गए, दो पांच साल बाद फिर मिला वो आदमी, बोले साहब आपके चरणों के प्रताप से बहुत चमत्कार है, आप पांच साल मेरी कुटिया में पधारे थे, आज उस समय पर उस स्थान पर, आज उस स्थान पर लाखों करोड़ों रुपये का मकान है, आपका संपन्न हो गया, आपका सचमुच बहुत पवित्र है, आपके चरणों का प्रताप है, बहुत लाभ फायदे में हो गए। पंडित साहब बोले भैया जिस रे हमें मंदिर दो बाहरी में तुम करोड़पति हो गए पांच साल पहले, और मेरे आहार भोजन करने के बाद तो मेरी कंगाल हो जाती, तो उसका श्रेय कौन लेगा फिर भाई, में हो जाए सब तो क्या होगा। सुना आज ज्ञानी बड़ा खुश होता है आपका प्रताप है, ज्ञानी जानते हैं मेरा कोई प्रताप नहीं, क्या बोला था हमने पानी हमारी नहीं, पानी हमारी नहीं। अच्छा पानी की बात आई है ना, थोड़ा सा पानी थोड़ा सूक्ष्म कर रहे हैं, ज्ञान के अनुसार पीने पड़ने का मतलब ज्ञान के अनुसार पानी नहीं पड़ना, क्या बोला क्या बोला, ज्ञान के अनुसार पानी नहीं पड़ना थी, समझ आ रही थी, क्या नाम तुम्हारा भव्य सेन, भव्य वेरी गुड, भव्य समझ आ रहे ज्ञान के अनुसार वाणी, क्योंकि वाणी भी दिए वाणी भी दिए, तब हम प्रैक्टिकल करके देखें थोड़ा सा, तुम जो बोलना चाहते हो बोल लेते हो, कई बार आप ऐसा बोल क्या करें वो निकल गया, जैसे कहां से निकल गए, ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे ये सोचते बाद में बोलते पहले, बुजुर्गों का समय ऐसा है सोचते बहुत है बोलते बाद में, स्पीड मालूम स्पीड बच्चों की स्पीड कैसे होती है, हाँ पहले बोलते हैं बाद में सोचते, और बुजुर्गों की स्पीड कैसे होती है बहुत सोचते हो, लेकिन बच्चों से तुझे भी गलती होती होगी, मम्मी कोई काम करना हमें नहीं करना, फिर सोचो आज मम्मी बहुत बजाय बच्चे परेशान हो रही है, कितना अकेली है, कितना बोर हो रही है, मेरे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, पहले बोल लोगे फिर पछताओगे, फिर अच्छा मम्मी काम करो, पहले दिल तोड़ दिया अब काम करा, ये नहीं पहले सोच समझ के बोल, लेकिन बच्चों का नेचर ही बताया क्यों, कौन सा पढ़ सकता है क्यों, क्योंकि ज्ञान के अनुसार वाणी नहीं पढ़ना थी, प्रैक्टिकल देख लेना इससे कोई फायदा होगा, मेरे पास तो टाइम हो तो चार महीने बैठा हूं, चार महीने हो पत्नी ध्यान से सुनो, पत्नी की बात नहीं कोई भी बात, कॉमन रूल, कॉमन रूल, इमोशनलिटी होती है ना इमोशनलिटी, वो पहले बोलती है बाद में सोचती है, गंभीरता पहले सोचती है फिर बोलती है, फार्मूला याद मत, नहीं फार्मूला, हाँ भावुकता, इमोशनलिटी पहले बोलती है बाद में सोचती, अब पत्नी बहुत इमोशनल थी तो उसे गुस्से में निकल गया क्यों नहीं बेटा, और निकला कौन भी नहीं पति देव को नहीं, क्यों नहीं जाओ मर नहीं मर जा, कई बार बच्चों से बोलते मर जा जा, अब ये भावुकता होती नहीं इमोशनल होती, बोलते पहले सोचते बाद, अब बच्चे से कहेंगे मर जा जा भाव सकल मत दिखाना हमें, तो ये सही चीज बताया, माँ ऐसी सोच रही है, इसलिए मैं कहता हूँ कभी कोई इमोशनलिटी बोले उसकी बात सच्ची मत मानो, मम्मी चिल्ला चोट करके ऐसे बोले कई टांग तोड़ दूंगी, मुस्कुराने को ओके मम्मी, मम्मी बोले क्यों
मैं इतना गुस्सा कर रही हूँ, जोर जोर से चिल्ला रही हूँ, तुझे बुरा नहीं लग रहा? बुरा तो तब लगे मम्मी जब फार्मूला फेल हो। फार्मूला क्या था? हाँ, इमोशनलिटी पहले बोलती है बाद में सोचती है। मम्मी जब इमोशनल होगी ऐसी बोलती है कि नहीं बोलती? पापा ऐसे बोलते कि नहीं बोलते? मेरे पापा भी बहुत बोलते थे, मेरी तीस बार फेल हो गया तो सकल मत करना, हार्ट की पसंद तोड़ दू, फिर काला मुंह करके निकल जा। नहीं निकल जा तो काला मुंह कर निकल जा। तुम्हें कभी कहते ही नहीं रो रो तुम कदे रो मुंह रखो जमी जाते बोलते हैं। लेकिन ये सब झूठ है। क्यों झूठ है? क्योंकि जो भी भावुकता में बोला जाता है वो सत्य है। आपको मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ जाए तो। एक भाभी ने इमोशनली में भैया से कुछ कह दी थी, वर्ष और दीवर ध्यान हत्या कर दी कि वो जितना भाग में भूल गया कि इमोशनली में जो कुछ बोला जाता है वो सत्य नहीं होता। यदि किस तरह से मरने लगेंगे ना तो एक भी बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। सारी मम्मी ये कहती हड्डी पसली तोड़ दूंगी और यदि वो अपने कहे हुए को सत्य कर दे एक भी बच्चा साबुत नहीं बचे। मालूम पड़े ना स्कूल में सारे सारे बच्चे हैंडीकैप्ड होते थे। इमोशनलिटी कभी सत्य नहीं बोलती। आप उसको सीरियस नहीं मत लो। पंडित साहब की बहुत अच्छी बात थी, हंसी की बात को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए और गंभीर बात को हंसी में नहीं लेना चाहिए। क्या कहा? हंसी की बात को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए और गंभीरता की बात को हंसी में नहीं लेना चाहिए। अभी यहाँ पे चेक करना चाहिए, मम्मी गंभीर होकर कह रही कि हंसी हंसी में कह रही है। यहाँ पे चेक करना है, पापा हंसी में बोल रहे हैं कि गंभीरता से बोल रहे हैं, ये आपको चेक करना है। अब आज के आप कम परेशान नहीं होगा। बात समझ में आ रही? तो दो पॉइंट कौन कौन से हो गए? ज्ञेय के अनुसार बयान नहीं पढ़ना होता और ज्ञान के अनुसार ज्ञेय नहीं पढ़ना होते। अभी बात समझ आ रही? आ जाओ उदाहरण पंडित साहब बढ़िया सही टाइम पे आ गए, चली जाए तो पानी को बुरा कर जाता। आ जाओ आगे आगे आ जाओ पढ़ सकते बेटे मनोज। चल हमारा टाइम भी हो गया, पंडित साहब का सुनने की पाँच नहीं चल चल पड़ी बेटे बैठो। Gracias.